स्टार्ट। नमस्कार, हर हर महादेव। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेरे वीलॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज शतभिषा नक्षत्र है, चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं और हम लोग गंगा जी पे आए हैं मणिकर्णिका मसान नाथ के दर्शन करने। कल अमावस्या है, आज चतुर्दशी है। चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव होते हैं। शनि देव पहले से ही शतभिषा में विराजमान हैं और चंद्रमा उनके साथ होंगे। इसको शनि चंद्र के साथ होने को पुनर्फु योग बोलते हैं और डराने वाली ज्योतिष में इसको विष योग बोलते हैं। किसी को डराना हो तो बोलिएगा शनि चंद्र साथ में है तो विष योग है, ऐसा होता नहीं है। इसको अर्ध नरेश्वर योग बोलते हैं। भगवान शिव एक जिनमें शिव भी हैं और पार्वती भी हैं। संदेश ये होता है शनि चंद्र के साथ होने का कि अपने अंदर के पुरुष और अंदर के ही स्त्री को आप पहचानिए, उन्हीं से आप साक्षात्कार करिए और उनको ही जगाइए। शतभिषा नक्षत्र वरुण देव का नक्षत्र है, उनके देवता वरुण देव हैं और हम लोग समुंदर में हैं भी, गंगा जी पे। ये साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा और अगला साल आर्थिक संकट के लिए जाना जाएगा। आज बारिश हुई यहाँ पे, जबकि होनी नहीं चाहिए इस मौसम में, थोड़ी ठंड भी हो रही है। हम लोगों को ये शनिदेव चूँकि हमारे पूर्व जन्मों के कृत्यों से संबंधित न्याय को दर्शाते हैं और चंद्रमा समस्त कर्मों को दर्शाते हैं। शनिदेव और चंद्र दोनों ही काल का निर्णय करते हैं। जो शनिदेव 30 साल में पूरा साइकिल पूरा करते हैं उसी को चंद्रमा उसी न्याय को हर एक ढाई ढाई तीन तीन दिन में हर एक राशि में करते हैं 30 साल में। इसीलिए शनि और चंद्र का योग काल के निर्णय को दर्शाता है। तो आज हम लोगों का ये एक दिन ऐसा है जब हम लोग काल के समय कालचक्र को पहचानें। देखिए, पूरा जीवन ही हम लोग का लाभ हानि ऋण कैश क्रेडिट डेबिट क्रेडिट का चक्कर है। क्रेडिट के लिए हम लोग परेशान होते हैं तो डेबिट को भी समझना चाहिए, मतलब ऋण। तीन प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। जो देव ऋण हैं वो सूर्य मंगल केतु अग्नि प्रधान जो ग्रह हैं वो दर्शाते हैं, गुरु भी हैं उसमें। जो देवता हमारे लिए कल्याण करते हैं कृपा करते हैं वो एक ऋण है जिनको हमें चुकाना होता है देवालयों में जाकर देवताओं को पसंद होने वाले कार्य करके और त्योहारों में जो जयंतियाँ होती हैं जन्मदिन होते हैं देवताओं के उनको मनाकर उनका धन्यवाद करके बेसिकली उनको ग्रेटिट्यूड देकर। दूसरा पितृ ऋण जो हमारे पितरों के ऋण हैं, पितरों ने हमको पाला पोसा बड़ा किया, हमें अच्छा जीवन दिया और जीवन जीने की शैली सिखाई, संस्कार दिए, उनका ऋण चुकाने के लिए अमावस्या पूर्णिमा और संक्रांति ये हैं जिस दिन हम लोग को दान करना चाहिए सुपात्रों को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। जो ऋषि ऋण है वो ऋषि हमें ज्ञान का सूचक हैं। जो पितृ ऋण है वो शनि और राहु से देखे जाते हैं, चंद्रमा भी उसमें एक रोल प्ले करते हैं। और जो ऋषि ऋण है वो शुक्र बुध गुरु जो शुभ ग्रह हैं वो बताते हैं, वो ज्ञान का सूचक है। हमें ज्ञान मार्ग पर रहना चाहिए और ज्ञान का प्रसार करना चाहिए और ज्योतिष पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग धीरे धीरे स्वयं ही ऋषि हो जाते हैं और देव और पितृ सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज शतभिषा नक्षत्र है, ये वरुण देव का नक्षत्र है, पंचक नक्षत्र है, 100 डॉक्टर्स को शो करता है और ये भी शो करता है कि अगर 100 डॉक्टर्स हैं तो इसका मतलब 100 बीमारियां भी हैं। तो हम लोगों को अपने आप को हील करने के लिए, अपने बीमारियों का इलाज के लिए, अपने विकारों से मुक्ति के लिए उपाय सोचने चाहिए और देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋण प्रकार के ऋण चुकाने के लिए निरंतर सतत प्रयासरत रहना चाहिए। जो कलयुग में इन तीनों ऋणों को चुकाने में प्रयासरत रहेगा, उसके प्रयास करेगा, वो आखिरी में मुक्त होगा। वरना ये जन्म जन्मांतर की जो यात्रा है वो चलती ही रहेगी
यहाँ पे आके गंगा जी पे सुख की अनुभूति होती है और कष्ट की भी अनुभूति होती है, यहाँ पे गंदगी देख के, सीवर देख के। मगर कलयुग है, ये युग ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को अटैच नहीं होना है और यहाँ पे सफाई करना तीनों ऋणों से हमको मुक्त करेगा। तो गंगा जी को नमन है, आप सबको नमन है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका ये दिन शुभ हो। और जो परसों अमावस्या है, वो अमावस्या मुझे लगता है कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगी, जो पुनः मीन राशि में है, जहाँ पे गुरु चंद्र साथ होंगे। तो ये प्रकृति के संयोग जो बता रहे हैं हमको, वो इस प्रकार के संयोग ये दर्शा रहे हैं कि अब आने वाला समय हम लोगों को इस प्रकार के ऋणों से मुक्त होने का समय है और उन ऋणों की तरफ अग्रसर होकर हम उनको करें। अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति का सम्मान करें। शनि चंद्र का पुनर्भू योग, अर्धनारीश्वर योग, ये हम सबको, अगर हम काल के निर्णय को स्वीकार करेंगे, तो सबको अत्यधिक शुभ होगा। थैंक यू वेरी मच।